हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चेक कपल। तो आज का व्लॉग ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज मैंने स्टार्टिंग नहीं करी और मेरा मूड भी ठीक नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मेरी मेड आज भी नहीं आई थी। पता नहीं क्या है, हम लोगों को अपनी मर्ज़ी से आती है, अपनी मर्ज़ी से नहीं आती है। खैर, मैंने अपना जल्दी से उठ के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी क्योंकि मैं देर में उठती हूँ रमज़ानों में। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैंने सफ़ाई करी और फिर मैं बर्तन धोने आ गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था व्लॉग शूट करने का, बट फिर भी मैंने व्लॉग शूट कर लिया है। और खैर, अज़र का टाइम हो गया था, काम निपटाते निपटाते तो मैंने अज़र की नमाज़ पढ़ी और फिर काफ़ी देर हो गई थी अज़र कि काफ़ी देर में मैं नमाज़ पढ़ी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था इतने सारे काम करने में। फिर उसके बाद तालिब ने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करी काम में, थोड़ा सा उन्होंने मेरे लिए फ्रूट चाट बना लिए थे और मैं और काम करने में लग गई थी। मैंने फिर उसके बाद खाना वाना भी बनाया रोज़े के बाद। खैर, जल्दी जल्दी हम लोगों ने काम करा और फिर रोज़ा खोला। और कुछ ज़्यादा नहीं था इस वीडियो में, बस जो भी है मैंने आपके लिए बना दिया क्योंकि मैंने कमिटमेंट दी थी कि मैं ज़रूर बनाऊँगी। और मैं वॉइस ओवर अप कर रही हूँ और नेट भी नहीं चल रहा है, तो इस वजह से मैं आज भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। मैंने स्टोरी पे लगा दी है कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। तो जी, मैंने यहाँ पे जल्दी से अपना फ्राई कर रही हूँ फटाफट सारी चीज़ें, और मैंने दाल भी बॉईल करने रख दी है। मेरी हालत देखिए इतनी ख़राब हो रही है, मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, ऊपर से रोज़ा, ऊपर से इतने सारे काम थोड़े बढ़ जाते हैं। मैं वैसे तो करती हूँ साथ में मिलके अपनी मेट के साथ, बट थोड़े बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सही रहता है करने में। खैर, मैंने सोचा कोई नहीं, रोज़ा खोल चुकी हूँ मैं और अब मैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए मैंने रख रही हूँ और साथ में चाय भी बन रही है मेरी, चाय पियेंगे। फिर खाना वाना बनाया मैंने, कल बनाया था भिंडी गोश, बहुत ही मज़े का बना था भिंडी गोश। हमने सहरी के लिए मैंने खाना बनाया था अपना, और बस आप देखें इंजॉय करें जो भी थोड़ी सी वीडियो है। एक्स्ट्रा ये था कि मैं और एक्स्ट्रा काम कर रही थी, तो जी बस एक्स्ट्रा काम करते करते मैं इतना ज़्यादा थक गई। आपने देखा कि मेरी मेड आज फिर नहीं आई है और बस इनका तो ऐसे ही लगा रहता है, कभी आती है कभी नहीं आती है। खैर, मैंने सारे काम करे और आपने देखा ही, उसके बाद मैंने रोज़ा वोज़ा खोला, तो बस यही था। मैंने सोचा कि जो भी वीडियो थी बनानी थी और मैंने बनाई। फ़िलहाल नेट नहीं चल रहा है और इस वजह से मैं अपलोड भी नहीं कर पाऊँगी आज वीडियो, और आज नहीं कर पाई लेकिन कल सुबह ज़रूर वीडियो अपलोड हो ही जाएगी। आप लोग देख रहे होंगे, सुबह अगले दिन ही देख रहे होंगे, बट इसलिए मैं सहरी के टाइम पे नहीं कर पाऊँगी वीडियो। तो जी, मैं सोच रही थी मैं आप लोगों को कमेंट्स इसी में ही दे दूँ, जवाब दे दूँ कमेंट्स का। तो बस पहले मैं बताती हूँ, पहला कमेंट है फरी खान का, आप हमारे घर के आगे से निकली हो, हमारे घर आ जाती आप ही। तो मैं हर किसी के घर तो आ नहीं सकती हूँ। खैर, ये कि आपने मेरे लिए इतना कहा, थैंक यू सो मच। और खैर से इंशाल्लाह कभी ट्राई करेंगे, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग भी रहते हैं। तो जी, नेक्स्ट है यास्रिब इरशाद, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि आप अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती। अच्छा, तो इस चीज़ का जवाब जो है मैं नहीं दूँगी इस चीज़ का जवाब। मैं किसी ने अपने ससुराल जाऊँगी ना तो अपनी सासू माँ से ही दिलवाऊँगी, ठीक है? और अब बार बार मत पूछिएगा एक ही चीज़। अच्छा, और क्या आपकी लव मैरिज है? जी नहीं, मेरी लव मैरिज नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज थी। मेरी रिलेटिव्स में शादी हुई है, इस वजह से वी नो ईच अदर बचपन से ही, तो लेकिन ऐसा नहीं जानते थे कि वी यूज़ टू टॉक, ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ा सेकेंड कज़न के था मेरे, तो बस इसलिए थी लव मैरिज, कुछ नहीं है, सिर्फ अरेंज मैरिज थी। ओके, थर्ड क्वेश्चन है कि आप एक गुड न्यूज़ भी बताने की कह रही थी, तो जो गुड न्यूज़ है वो मैं आपको कल नहीं, परसों के ब्लॉग में बताऊंगी, फ्राइडे के ब्लॉग में आपको बताऊंगी गुड न्यूज़ आखिर क्या थी। वो मैंने आपको उस टाइम पे रिवील कर दिया था क्योंकि उस टाइम पे बड़ी एक्साइटेड थी, लेकिन दिखाऊंगी मैं बताऊंगी नहीं, मैं दिखाऊंगी डायरेक्ट। ओके,
ओके तो थर्ड है सामिया, आप अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती? सेम क्वेश्चन, बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं इसका जवाब कह रही हूँ, मैं अपनी सासू माँ से खुद दिलवाऊँगी मैं क्यों नहीं रहती। फोर्थ है लीज़ा खान, आपने हिलाल की नहारी नहीं खाई तो क्या खाया? तो लीज़ा, मुझे नहीं पता कि हिलाल की नहारी कहाँ मिलती है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो में जब डालूँगी इसमें आप मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट करके कि कहाँ पर है फुल एड्रेस, ताकि मैं उसको लेकर आऊँ और मैं खाऊँ और मैं उसका रिव्यू भी दूँ आपको। ओके, बाकी जो है उबैद मलिक किंग, इन्होंने इतने सारे हार्ट्स 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 भेजे मुझे, थैंक यू सो मच। और यासर इरशाद, आप मेरी जवाब तो दीजिए प्लीज़ रिप्लाई। एक्चुअली मैं नहीं दे पा रही थी, मेरा नेट भी बहुत स्लो चल रहा था और मैंने यही सोचा था कि मैं आप लोगों को स्पेशली इस तरह में जवाब दूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे और इसी बहाने हमारी इस तरह में बात भी हो जाए और इसी बहाने आपको ये भी होगा कि आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको इस तरह में जवाब दूँगी अच्छे से। उसके बाद आप थोड़ा सा रूड हो गए, तुम्हें जवाब देने में क्या मुसीबत आती है? तो मुझे कोई मुसीबत नहीं आती, मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो नेक्स्ट है गुड व्लॉग दी बहुद्दीन शेख, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, थैंक यू सो मच। फिर है अलवीना खान, मैंने कल आपको लाइव देखा था और तालिब भाई को भी, तो आप क्यों नहीं मिलने आई मेरे से? गलत बात है आपकी, फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा कब नहीं मिलेगा, आपको आना चाहिए था ना मिलने के लिए। खैर आप लोग ये मत सोचा करें, मुझे कुछ अजीब नहीं लगेगा आप लोग आए मुझसे मिले, सलाम दुआ कर लेना, ज़रूरी नहीं आप मुझे रिकगनाइज़ करवाएं कि मैं वो हूँ मैं वो हूँ, मुझे इससे कोई वो नहीं होता, आप सलाम दुआ करें मैं समझ जाऊँगी, मुझे नहीं कभी है। तो फिर यही थे कुछ कमेंट्स मेरे लास्ट वीडियो में और मैं ऐसे ही कोशिश करूँगी रोज़ अपनी लास्ट वीडियो में कमेंट्स पढ़ने के, और आप भी बहुत सारे कमेंट्स करें ताकि मैं भी आपके अच्छे अच्छे जवाब दूँ। तो फिर कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, लंबी वीडियो के साथ और अच्छी वाली वीडियो के साथ, आज छुट्टी थी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो फिर कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।